वन विल कंटिन्यू विथ इंडियन पेंटिंग्स. ठीक है, व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, ऐसी क्वेश्चन तूतीनामा का था क्या? क्वेश्चन विच यू आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, वॉज इट ऑफ तूतीनामा? डू यू रिमेंबर? स्तुतिनामा वॉज द फर्स्ट आर्ट वर्क, जो पहली पेंटिंग आपकी मुगल टाइम में आई थी, दैट वॉज द फर्स्ट आर्ट वर्क फ्रॉम मुगल टाइम. ठीक है, विच इज़ फाउंड हियर. तो मे बी उसके रिलेटेड में विल सी दैट. ठीक है, इट इज़ देयर इन योर नोट्स ऑल्सो. सो दैट वॉज फ्रॉम योर अकबर. सो यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम पेंटिंग्स विच हैज़ बीन आस्क्ड डायरेक्टली इन UPSC. ठीक है, तो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग्स? जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपका आता है कि इज़ द प्लेस, कहाँ से दोज पेंटिंग्स आर ओरिजिनिंग. ठीक है, कि प्लेस ऑफ ओरिजिन उस पेंटिंग का कहाँ पे है, किस तरीके का पैटर्न यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, कि कलर कौन सा यूज़ किया जा रहा है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स आर मोर नेचुरलिस्टिक. ठीक है, नेचुरलिस्टिक का मतलब है कि जैसे चीज़ें दिख रही हैं वैसे ही पेंट करने की कोशिश की गई है. ठीक है, यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स बहुत जगह जहाँ पे नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स नहीं होती हैं. तो यू शुड ट्राई टू रिमेंबर कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग है वेदर इट इज़ नेचुरलिस्टिक और नॉट. ठीक है, थर्ड इज कि किस क्या कहते हैं भाव को दिखाया गया है. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ योर एक्सप्रेशंस आर शोन इन दैट पेंटिंग. ठीक है, यू विल सी अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन वेरियस बिलीव्स. फ्यू पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन योर क्या कहते हैं, जहाँ पे आपका भक्ति इज द मेन क्या कहते हैं थीम ऑफ योर पेंटिंग्स. ठीक है, यू विल फाइंड पेंटिंग्स विच आर डन बेस्ड ऑन वेरियस थीम्स. तो वो आपको पता होना चाहिए. यू विल फाइंड किस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं. यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज. ठीक है, देयर वॉज दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग कलमकारी इन UPSC. ठीक है, 2015 आई गेस इन प्रिलिम्स डायरेक्ट क्वेश्चन कि कलमकारी कहाँ से आपका क्या कहते हैं और विच इज किस प्लेस से आपको कलमकारी यू एसोसिएट. वॉट डू यू मीन बाई कलमकारी? इट वॉज अ क्वेश्चन लाइक दैट. तो कलमकारी विल सी लेटर ऑन इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग विच इज एसोसिएटेड विथ योर आंध्र प्रदेश. तो कलमकारी जैसे आप देख रहे हैं लिटररी द मीनिंग इज द कलम ओनली. ठीक है, द होल पेंटिंग इज डन बाई योर अ स्मॉल पेन. ठीक है, उस पेन से जो है किया जाता है. तो किस पे किया जा रहा है, बिकॉज विल सी टू ऑफ द पेंटिंग्स. ठीक है, पेंटिंग्स की कैटेगरी में दो पेंटिंग्स ऐसी हैं विच आर योर स्क्रोल पेंटिंग्स. ठीक है, स्क्रोल आपको पता है स्क्रोल होता है जैसे एक आपका ऐसे रहता है जिसपे आपका जो क्लॉथ है इट इज़ रोल्ड. ठीक है, तो वो रोल होके क्लोज हो जाता है. तो उस स्क्रोल के ऊपर भी आप हम लोग देखेंगे दो मेजर फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स हैं जो की जाती हैं. तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि कहाँ पे आपकी वो पेंटिंग्स हो रही हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन जो है वो देखना होगा. व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू इज़ कि वी हैव एवरीथिंग जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वही है. ठीक है, आई हैव योर इमेजेस ऑफ दोज थिंग्स. आप में ब्लैक एंड वाइट है. ठीक है, तो वाइल विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, और एल्स हम लोग वो देखेंगे कि किस तरीके से पेंटिंग्स इवॉल्व हुई है. लेटर ऑन आई विल फ्रीज ऑन दोज इमेजेस. ठीक है, जस्ट ट्राई एंड गो थ्रू एक बार और आपके नोट्स में एंड ट्राई टू मेक श्योर यू रिलेट कि कितना ज़्यादा आप उस पर रिलेट कर सकते हैं कि वो इमेजेस या जो पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं हाउ दे आर मैचिंग विथ योर इंडियन पेंटिंग्स. ठीक है, बाई दैट यू विल ठीक है विल फिनिश इंडियन पेंटिंग्स. आई एम नॉट टेकिंग अप म्यूजिक अभी इसी क्लास में बिकॉज दैट इज़ वेरी बिग. ठीक है, स्टार्ट करते तो हो नहीं पाता वो दो घंटे में. ठीक है, तो विल डू इट टुमारो. ठीक है, पेंटिंग्स कल जो है हम ज़्यादा लेंगे. ठीक है, विल म्यूजिक जो है विल स्टार्ट टुमारो. पेंटिंग्स की जब आप बात करते हैं तो विल फाइंड कि इंडियन पेंटिंग्स में यू हैड डिफरेंट डिस्टिंक्ट डिविजन्स. ठीक है, जब आप सबसे पहले की पेंटिंग्स आप देखते हैं तो वन ऑफ द अर्स्ट वाइल पेंटिंग्स जो इंडिया में दिखती हैं दे आर फ्रॉम योर भीम बेटकास. ठीक है, तो भीम बेटकास में से जो आपको पेंटिंग्स मिली हैं दे आर यूजुअली फ्रॉम अराउंड क्या कहते हैं नियरली 10,000 टू 8,000 ईयर्स अगो. ठीक है, आज के टाइम से अगर आप देखेंगे इस टाइम से आपको पेंटिंग्स मिलना शुरू होती हैं. ठीक है, इफ़ यू इमेजिन कि पेंटिंग्स से आपको क्या दिखेगा तो व्हाट दीज दे शो इज दे शो यू कि किस तरीके से लोग रह रहे थे उस टाइम पे. ठीक है, हाउ द पीपल वर लिविंग, क्या मेजर उनके ऑक्यूपेशन थे. लाइक यू विल सी कि हंटिंग इज शोन इन टर्म्स ऑफ योर भीमबेटका केव्स. ठीक है, भीमबेटका केव्स का जब हम फोटोज़ देखेंगे तो यू विल सी हंटिंग इज शोन. ठीक है, बाकी फायर इज शोन जिसके सराउंड में लोग जो हैं दे आर डांसिंग. ठीक है, तो उस तरीके की जो फोटोज़ हैं दोज विल रिप्रेजेंट कि किस तरीके का लाइफ स्टाइल होता था. लेटर ऑन यू विल सी कि जब दिस इज
जब बाद में बाकी पेंटिंग्स आती हैं सी इन टर्म्स ऑफ योर मुगल्स एंड ऑल दोस यू विल सी मोर ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स. ठीक है, जब मुगल्स की जो पेंटिंग्स आपको दिखेगी दे विल शो मोर ऑफ कि उनका जो आर्किटेक्चर या उनके टाइम पे जो चीज़ें हो रही थी वो डिपिक्ट की गई हैं. बाकी जगह जो इंडियन आप पेंटिंग्स देखते हैं बहुत ज़्यादा कल्चर को डिपिक्ट किया जाता है. योर ट्रेडिशन इज़ कंटिन्यूसली फॉलोड इन वेरियस पेंटिंग्स. बहुत जगह जो आप देखेंगे कि आपका जैसे भक्ति कल्ट इज देयर, ठीक है, आपके जो एंशियंट स्टाइल्स हैं दे विल कंटिन्यू टू बी पेंटेड. ठीक है, तो वो आपको बहुत जगह दिखेंगे. वेयर एज इन मुगल टाइम, मुगल्स के टाइम पे आपको जो पेंटिंग्स मिलेंगी दे विल ऑल विल बी कंटेम्प्रेरी इन नेचर. ठीक है, आपको आप मुगल्स की पेंटिंग के बारे में देखेंगे तो यू विल सी कि अपने कोर्ट के बारे में वो दिखाते थे, अगर वो हंट कर रहे हैं उसके बारे में दिखाते थे, उनकी मैरिजेस के बारे में पेंटिंग आपको दिखेगी. सो एवरीथिंग विच दे पेंटेड विल बी ऑफ योर कंटेम्प्रेरी नेचर. ठीक है, और जो बाद में आपको दिखेगा कि लेटर ऑन यू हैड द इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर मॉडर्न, क्या कहते हैं, फ्रॉम योर कॉलोनीज. ठीक है, जब आपके ब्रिटिशर्स आए ये सारे लोग आए तो यू हैड अ ट्रेडिशन ऑफ की देर इज़ अ समवन हु इज़ पेइंग फॉर योर आर्ट नाउ. ठीक है, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं क्लाइंट बेस्ड आर्ट वर्क विल बी मेड. ठीक है, उसके बाद जो है यू विल ऑल्सो सी अ वेरी यूनिक पैटर्न कि जहाँ जहाँ पे भी आपको पेंटर्स का पैट्रोनेज दिखेगा. ठीक है, लाइक वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ योर अजंता एंड एलोरा. ठीक है, अजंता वॉज कंस्ट्रक्टेड टिल योर 5th to 11th century. 11th century के बाद जब आप पैट्रोनेज देखते हैं ख़त्म हो गया तो यू विल फाइंड द वर्कर्स दे शिफ्टेड फ्रॉम अजंता टू एलोरा एज वेल एज फ्रॉम अजंता टू एलिफेंटा. ठीक है, फ्रॉम 11th century AD यू विल फाइंड कि एलिफेंटा केव्स वर बीइंग मेड. ठीक है, तो यू विल फाइंड सिमिलर केसेज इन पेंटिंग्स ऑल्सो कि यू विल बी सीइंग कि जो पेंटर्स थे उनको जो है आपका रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था तब तक वो वहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे. लेटर ऑन व्हेन यू सी कि उनके एम्पायर दे आर फॉलिंग, जैसे स्पेशली विल सी द मेजर डोमिनेंस इन योर मुगल्स. ठीक है, जब तक मुगल्स वर रूलिंग आपके जो बाकी स्कूल ऑफ आर्ट्स थे दे वर नॉट दैट प्रोमिनेंट. जैसे यू विल सी कि द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन योर 17th century से जब फॉल होता है, स्पेशली आपका जब औरंगजेब हैज़ केम टू पावर. ठीक है, 1657 में जब 1700s के अराउंड आपके जब औरंगजेब जब पावर में आते हैं यू विल सी कि क्या कहते हैं योर आर्किटेक्ट क्या कहते हैं पेंटर्स विल लूज देयर पैटर्नेज एंड दीज पेंटर्स दे विल मूव टू अदर स्कूल्स. ठीक है, आसपास जितने स्कूल्स हैं यू विल सी दो स्कूल्स विल डेवलप ओनली आफ्टर योर 17th century. ठीक है, तो दिस विल बी योर ब्रीफ अबाउट योर पेंटिंग्स. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था वॉज फॉर योर इंडियन पेंटिंग्स दे प्रोवाइडेड यू विथ अ कंटिन्यूम. ठीक है, आपको जो है पहले का चीज़ें जो है वो कंटिन्यूटी में आपको दिखेगी. द मोस्ट विल बी फ्रॉम योर रिलीजियस. आप अगर पहाड़ी पेंटिंग के बारे में हम लोग जब देखेंगे यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द पहाड़ी पेंटिंग्स मोस्ट ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग्स दे ऑल्सो हैड द एलिमेंट ऑफ योर लव. ठीक है, जो आपको लव को दिखाना होता था यू विल फाइंड कि इट इज़ मोर इन प्रेवलेंस विथ योर पहाड़ी एज वेल एज राजस्थानी. ठीक है, यहाँ पे ही ऑल्सो यू विल फाइंड मोर प्रेवलेंस ऑफ स्पेशली इन पहाड़ी पेंटिंग्स भक्ति का जो आपका जो भाव होता था यू विल सी मोर इन टर्म्स ऑफ योर दोस पहाड़ी पेंटिंग्स ओनली. ठीक है, विल नाउ सी क्या कहते हैं सबके बारे में एक एक. ठीक है, तो एवरीथिंग विच इज़ धेयर क्योंकि इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिवली रिटन. ठीक है, आपके पास जो नोट्स हैं इट इज़ मोर देन एनफ. ठीक है, तो आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, यू नीड नॉट हैव टू राइट एनीथिंग. ठीक है, ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज कि बस जब आई विल शो यू द पेंटिंग जस्ट ट्राई एंड गो थ्रू द नोट्स क्या लिखा हुआ बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन टू मच ऑल्सो. ठीक है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना लिखा हुआ है. इट हैज़ मेंशंस दोस की किस तरीके से पेंटिंग की गई है. ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू दैट. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेंटिंग्स में हम देखते हैं सबसे एंशियंट टाइम में इज़ योर 6 limbs और षड अंगा जिसको हम कहते हैं षडंगा. कि ठीक है, देर आर 6 limbs ऑफ योर पेंटिंग्स. 6 limbs वर एंशियंटली जो आपकी टेक्स्ट थी आपकी कामसूत्र उसमें यू विल फाइंड द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस षडंगास. ठीक है, तो 6 limbs का मतलब था कि 6 अलग अलग स्ट्रोक्स में आपको पेंट करना है और हर स्ट्रोक जो रहेगा इट विल गिव यू अ डिस्टिंक्ट फॉर्म की एक पर्टिकुलर चीज़ को हर एक स्ट्रोक जो है वो आपका डिपिक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, लाइक द टेबल यू हैव है ना, दिस टेबल इज देयर, है ना, जो आपके 6 अलग अलग अंग हैं. ठीक है, विल सी सबसे फर्स्ट इज योर रूप भेद, है ना. तो इट ट्राइज टू गिव यू
एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है, कि किस तरीके का आपका अपियरेंस है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब पेंट कर रहे हैं, ये ऑल दीज थिंग्स आर, कि जब आप पेंट कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दीज सिक्स शुड बी योर इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला इज़ योर रूप भेद, जहाँ पे आप फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को आप एग्जैक्टली कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से आप पेंट करें। द सेकेंड विल बी द प्रपोर्शन, कि आप अगर प्रमाणम, जिसको हम कह रहे हैं, कि इस प्रपोर्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सर और बाकी लिम्स और बाकी अगर आप चीज़ें पेंट कर रहे हैं तो दे शुड बी मोर प्रपोर्शनल, ठीक है, आप कोई डिसप्रपोर्शनली पेंट यू शुड नॉट डू, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड। द थर्ड इज योर भाव, ठीक है, और योर इमोशंस विच यू विल नीड टू क्या कहते हैं पेंट, ठीक है। सो द थर्ड एलिमेंट या फिर द थर्ड लिम्ब ऑफ पेंटिंग विल बी योर भाव। द फोर्थ विल बी योर लावण्य योगनम, ठीक है, लावण्य योगनम विल बी मोर रिलेटेड टू पोर्ट्रेइंग योर ग्रेस, ठीक है, कि आप कितने अच्छे से जो है आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, especially द ग्रेसफुलनेस अपार्ट फ्रॉम योर भाव, ठीक है, भाव विल बी मोर रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, द ग्रेस विल कम फ्रॉम योर लावण्य योगनम। द नेक्स्ट विल बी योर सदृश्यम, सदृश्यम विल बी कि हाउ सिमिलरली यू आर एबल टू प्रोजेक्ट वन थिंग, ठीक है, कि अगर एक रियल चीज़ है और आप जो क्रिएट कर रहे हैं हाउ सिमिलर दे आर, ठीक है, सो दैट विल बी अंडर योर सदृश्यम। एंड द फाइनली विल बी वर्णिका भंगा, ठीक है, इसका जो मॉडर्न टाइम आप जो देखेंगे वो जो मॉडर्न टाइम में जो चेंज आएगा विल बी फ्रॉम योर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। एंशियंट टाइम में जब ये था इट वॉज मोर रिलेटेड कि आपको यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स, ठीक है, विल सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इन योर पहाड़ी पेंटिंग्स, ठीक है, हम जब देखेंगे राजस्थानी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स, ठीक है, उसमें हमें दिखेगा ये कि दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर। जो अलग कलर डिफरेंशिएशन है उसका पर्पज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर क्या कहते हैं पेंटिंग अ सपोज अ फोर्ट अ पैलेस, ठीक है, आप उस तरीके से अगर आप पेंट कर रहे हैं तो यू नीड टू पेंट विथ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ताकि अलग अलग जो सीन्स हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, आपको वो अलग अलग कलर में जब रहेगा देर इज़ अ मार्क्ड डिस्टिंक्शन, ठीक है, क्लियरली आपको फोटो देख के पता चल जाएगा कि ये अलग जगह को डिपिक्ट किया जा रहा है, ये अलग जगह को डिपिक्ट किया जा रहा है। सो दैट कलर डिफरेंशिएशन इज अनदर फीचर ऑफ योर क्या कहते हैं पेंटिंग, ठीक है। सो दीज सिक्स विल बी योर सिक्स लिम्स ऑफ योर पेंटिंग्स, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, बिकॉज दे कैन बी डायरेक्टली आस्ड, ठीक है, जो छः हो आपके लिम्स हैं वो क्लियर हो गया, ठीक है, यू माइट नॉट हैव रिमेंबर्ड द नेम्स, ठीक है, आप उसको क्या कहते हैं बाद में देखिएगा, नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है, हो गया। देन वी स्टार्ट विथ योर फर्स्ट पेंटिंग्स, जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स हैं, आर योर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स। तो जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स थी दे आर फाउंड इन योर भीमबेटका केव्स, ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि भीमबेटका केव्स इट डिपिक्टेड योर लाइफ स्टाइल्स, उस समय जैसे लोग रहते थे, इट शोज़ योर ह्यूमन इमेजेस, हंटिंग के सीन्स आपको दिखेंगे, यू हैव योर डांसिंग इमेजेस ऑल्सो, ठीक है, तो आपको जो दिखेगा कुछ इस तरीके की फोटोज जो है आपको दिखती हैं फ्रॉम योर भीमबेटका केव्स, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ योर म्यूरल्स, ठीक है, विल सी वॉट डू यू मीन बाई म्यूरल्स, ठीक है, तो ये केव की जो वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर भी आपको जो है इस तरीके की पेंटिंग्स दिखेगी, ठीक है। यू नीड टू अप्रिशिएट कि दीज पेंटिंग्स वर पेंटेड अप्रॉक्सिमेटली 7 to 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है, तो अभी तक जो है वो दीज पेंटिंग्स दे आर रिमेनिंग, ठीक है। सबसे पुराने साइट्स में से जो सबसे एंशियंट पेंटिंग्स जो आपको अभी भी मिलती हैं आर योर भीमबेटका केव्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज द रीजन वाई दे आर ऑल्सो अंडर पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की, ठीक है। ट्राई एंड सी दोज थिंग्स विच आर मेंशनड इन योर नोट्स, ठीक है, कि हाउ इट इज मैचिंग विथ योर पेंटिंग्स, ठीक है, जो भीमबेटका केव्स के बारे में आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर यू आर एबल टू सी दोज फीचर्स, ठीक है। भीमबेटका इज located where we have discussed yesterday na, Bhimbetkas are situated near your Bhopal, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका मिलेगा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, हो गया, ठीक है। देन वील सी द मेजर क्लासिफिकेशन जो हम पेंटिंग्स का करते हैं आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स,
जो पहली पेंटिंग है इज योर म्यूरल्स, द सेकंड इज योर मिनिएचर्स, ठीक है। तो म्यूरल्स बेसिकली होता है जो आपके वॉल पे पेंट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग विच इज पेंटेड ऑन योर वॉल्स वगैरह की, है ना, किसी भी आप सॉलिड स्ट्रक्चर पे पेंट कर रहे हैं, वॉल हो गया, सीलिंग्स हो गया, ऑल दोज विल बी पार्ट ऑफ योर म्यूरल्स। मिनिएचर्स विल बी कि आप किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग से आप पेंट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर टेकिंग समथिंग, क्या कहते हैं, अलग से, और उसमें यू आर पेंटिंग। एंड मिनिएचर्स आर यूजुअली डन टू डिपिक्ट, बहुत बड़े सीन को आप छोटे जगह पे आप उसको पेंट करेंगे, ठीक है। तो द ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है, इट इज़ बेसिकली बिटवीन योर म्यूरल्स एंड मिनिएचर्स का जो हम पेंटिंग्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स वी हैव सीन यस्टरडे अजंताज, ना, अजंता की पेंटिंग्स वी हैव सीन, है ना। तो अजंताज हैव योर म्यूरल पेंटिंग्स के लिए, दे आर वेरी फेमस, ठीक है। तो म्यूरल पेंटिंग्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दे आर द मोस्ट यूनिक फॉर्म, जो सबसे यूनिक इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि आपके जो मेन बिल्डिंग है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे बाकी पेंटिंग्स और किसी और में क्या रहता है, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम योर आर्किटेक्चर, ठीक है। अलग से आप किसी और चीज़ पे पेंट कर रहे हैं तो यू कैन टेक इट अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। म्यूरल्स हैव दिस डिस्टिंक्शन कि दे आर पेंटेड ऑन द वॉल्स, सो दे ऑलवेज बिकेम अ पार्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्टिंक्शन फॉर योर म्यूरल्स जो बाकी आपके उसमें रहता है। सो दैट इज वाई यू से कि म्यूरल्स ट्रेंड टू गिव यू अ थ्री डायमेंशनल पिक्चर, ठीक है, कि आपको वो कोशिश करते हैं कि यू टेंड टू हैव अ मोर थ्री डायमेंशनल फोटोज ऑन योर वॉल्स वगैरह आपके ऊपर, ठीक है, कि आपको वो उस तरीके से आपको दिखेगा। सो दिस इज योर वन ऑफ द म्यूरल पेंटिंग्स, ठीक है। क्या क्या हाँ विल सी कि किस तरीके से यू हैव वेरियस यूज, वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं, पल्प वगैरह, बहुत सारी चीज़ें से यू ट्राई टू मेक इट अ प्लास्टर, ठीक है, विच विल बी क्या कहते हैं, विच विल रिमेन ऑन योर वॉल्स, है ना, इट विल बी परमानेंट टाइप, ठीक है। फिर वहाँ पे उसके बाद यू विल सी कि द प्रेवलेंस ऑफ रॉक्स, किस तरीके के रॉक्स हैं, ठीक है, दोज रॉक्स आर क्रश्ड, ठीक है, इन स्मॉल पार्ट्स, और उससे कलर जो है बनाया जाता है, ठीक है। ओकरे इज मोर रिलेटेड टू योर रेड कलर, ठीक है। तो आप जो देखेंगे विल बी मोर प्रेवलेंस ऑफ ओकरे कलर्ड आपको बहुत जगह दिखेगा, पॉटरी में भी ऑल्सो यू विल फाइंड ओकरे कलर पॉटरी विल बी देयर, ठीक है। तो जो रेड कलर आपको दिखता है, देन यू विल हैव द ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आपका जो आता है, विल सी दोज थिंग्स कि कहाँ कहाँ से आपका बनना है। ब्लैक कलर इज यूजुअली फ्रॉम योर बर्निंग, ठीक है, बर्निंग के बाद जो सूट बच जाता है आपका, जो अनबर्नड कार्बन जो रहता है उससे जो है आपका कलर बनाया जाता है ब्लैक, ठीक है। तो फायर के बाद जो भी आपका अनबर्नड कार्बन बच रहा है उससे जो है आपका ब्लैक कलर बनाया जाता है। सिमिलरली यू हैव ग्रीन कलर फ्रॉम योर प्लांट्स, ठीक है, अलग अलग फ्रूट से अलग अलग कलर्स आपको आता है, अलग अलग फ्लावर्स से आपका अलग अलग कलर आता है, ठीक है। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ नेचुरल कलर्स विच आर बीइंग यूज्ड, ठीक है, इन योर एंशिएंट पेंटिंग्स। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस दिस कि यू हैव यूसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, ठीक है, दे आर पेस्टेड ऑन योर वॉल एंड ओवर अ पीरियड दे बिकम योर परमानेंट्स, ठीक है। द मेजर एग्जाम्पल्स आर योर दीज केव्स, ठीक है, यू हैव अजंता केव्स, यू हैव दीज केव्स, ठीक है, वी हैव मिस्ड दीज केव्स, सीतानसल केव्स, ठीक है, दे आर इन योर साउथ इंडिया, ठीक है, विल सी दोज केव्स अभी, ठीक है। देन यू हैव योर कैलाशा टेव एंड अन्नामलाई केव्स आर देयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो केव्स हैं आर योर अजंता केव्स, ठीक है, अजंता केव्स वी हैव डिस्कस्ड, कल हम जब डिस्कस कर रहे थे वी हैव सीन कि यहाँ पे यू हैड मोस्टली बुद्धिज्म, ठीक है, इट डिड नॉट हैव एनी अदर रिलीजन, तो बुद्धिज्म यहाँ पे है, तो यू हैव जो भी पेंटिंग्स हैं आर ऑल फ्रॉम योर जातका टेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी पेंटिंग्स मिलेंगी दे डिपिक्ट योर लाइफ ऑफ बुद्धा और अंडर योर जातका टेल्स, एंड ऑल्सो यू हैड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द आईज आर हाफ क्लोज्ड, ठीक है, जो हमने कल देखा था वॉज योर पद्मपाणि, ठीक है, दिस इज योर फोटो ऑफ बुद्धा विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैटेगराइज फोटोज ऑफ बुद्धा, ठीक है। दिस वॉज आस्क्ड इन योर UPSC, वी हैव डिस्कस्ड दिस यस्टरडे कि पद्मपाणि की जो पेंटिंग है आपको कौन सी केव्स में मिलती हैं, वॉज आस्क्ड डायरेक्टली इन UPSC प्रीलिम्स, ठीक है। तो द आंसर वॉज अजंता केव्स ओनली, ठीक है। द नेक्स्ट केव्स आर योर
एलोरा केव्स, ठीक है, एलोरा केव्स में आपको जो दिखेगा यू विल नॉट फाइंड मोर नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स, ठीक है, बहुत नेचुरल पेंटिंग्स आपको यहाँ पे नहीं दिखती हैं। यू विल सी कि आपका जो पेंटिंग हो रहा है इट इज़ पेंटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर पैनल, ठीक है, आपका जो पेंटिंग हो रहा है वो एक रेक्टेंगुलर पैनल पे होगा। ऑल्सो यू विल हैव शार्प ऑफ क्या कहते हैं बेंड्स वगैरह, ठीक है, आप जब भी कोई भी फीचर देखेंगे यू विल सी देर इज़ अ वेरी शार्प बेंड्स, यू विल हैव अ नोज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपकी पॉइंटेड होगी। एज इन केसेज ऑफ अजंता यू हैव सीन की आईज वर ऑलमोस्ट क्लोज, ठीक है, पार्शली क्लोज या ऑलमोस्ट ड्रूपिंगली क्लोज, यू हैव वेरी ओपन आईज इन केसेज ऑफ योर एलोराज। ऑल्सो यू हैव द लिम्स आर नॉट क्या कहते हैं हॉरिजॉन्ट मतलब कर्व है ना, दे आर वेरी कॉन्केव शेप्ड, ठीक है, तो इस तरीके का जो आपको दिखेगा विल बी इन योर अजंता पेंटिंग्स, ठीक है, सॉरी एलोरा पेंटिंग्स। Are you able to see clear है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज दीज आईज अगर आपको जब फिर बाद में मिलेगा प्रेजेंटेशन, सो यू सी कि दीज आर द आईज, ठीक है, यहाँ पे जो आईज है दीज ऑल आईज आर ओपन एक्चुअली, ठीक है, आई डोंट थिंक सो इट इज़ विजिबल, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज दीज ऑल दीज आईज दे आर वाइड ओपन, ठीक है, विच वॉज नॉट सीन इन केसेज ऑफ योर अजंताज, ठीक है, एलोराज में यू विल फाइंड कि आईज आर वाइड ओपन, अजंता में आईज आर रिलेटिवली क्लोज्ड, ठीक है, बाकी जो आपको शेप दिखेगा इट इज़ वेरी कर्व्ड, ठीक है, आपको जो फेस का भी शेप दिख रहा है, सब कुछ जो आपको शेप दिख रहा है इट इज़ नॉट अ मोर नेचुरलिस्टिक टाइप, बहुत ज़्यादा शार्प ट्विस्ट आपको जो है पेंटिंग्स में दिखेगा इसमें। अजंता वाले में आईज का जो है वो दे आर पार्शली क्लोज्ड है ना, और दे आर वाइड ओपन, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बाकी ट्विस्ट वगैरह दिखेगा, बाकी चीज़ें जो हैं यू विल सी इन केसेस ऑफ योर एलोरा केव्स, सॉरी, ठीक है, द नेक्स्ट फीचर जो आप नेक्स्ट पेंटिंग्स देखते हैं विल बी शिफ्टिंग टू योर बादामी म्यूरल केव्स, बादामी हमने देखा था इन योर कर्नाटका, तो As you can see, the more mural paintings we are seeing only in Deccan areas. The reason was the same, क्योंकि आपकी cave architecture जो था वो mostly आपका Deccan plateau में था, because more and more of your hard rocks were there, पहली बात तो है ना, and जो बाकी आपका लोग जो मूव हुए थे टू क्या कहते हैं propagate your Buddhism वगैरह, दे शिफ्टेड डाउन ओनली है ना, तो वहाँ पर आपको जो cave architecture जहाँ पर दिखेगा देर ओनली यू विल हैव मोर एंड मोर ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है, तो जो पुराने एंशियंट केव्स में से आप देखेंगे द इम्पॉर्टेंट वॉज योर बादामी में, ठीक है, तो बादामी हैड योर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, ठीक है, तो बादामी शोज़ यू द शिफ्ट फ्रॉम योर डेक्कन साइड टू सदर्न साइड, ठीक है, जो आपकी म्यूरल पेंटिंग्स जो है वो वहाँ से आपके सदर्न साइड में शिफ्ट होती हैं। द मेजर फीचर यू विल सी कि आपका यहाँ पे कि ये जो पेंटिंग है आपकी इट इज़ डन ऑन द सीलिंग एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे जो पेंटिंग है आपकी बादामी में वो सीलिंग पे की गई है, एंड इट इज़ मोर रिलीजियस इन नेचर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डन टू शो योर वैष्णवाइट फेथ एक्चुअली, ठीक है, तो ये जो पेंटिंग आपको जो दिखती है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्शली डिकम्पोज्ड, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी मच इन गुड स्टेट अभी, ठीक है, सो दिस इज़ इन योर बादामी, ठीक है, तो बादामी अगर पेंटिंग्स आपके बारे में आ रही है बादामी म्यूरल पेंटिंग्स, तो यू नो द प्लेस वेर इट इज़ एसोसिएटेड, एंड The distinct feature is कि it is not done on your walls, or it is done on the ceilings as well as it is more religious in nature. ठीक है, the next is कि यू विल सी द म्यूरल्स विल इंक्रीज़ इन योर साउथ इंडिया, जब आप साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो अंडर ऑल दिस ट्रिनिटी ऑफ किंग्स वी हैव सीन इज चोलास पल्लवास एंड पांड्यास है ना, तो द मेजर टेंपल बिल्डिंग जो हमने देखा था इट स्टार्टेड फ्रॉम योर पल्लवास है ना, याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रॉम योर 6th सेंचुरी AD आपका जो टेंपल बिल्डिंग था इट स्टार्टेड फ्रॉम योर
पल्लवास, ठीक है, तो पल्लवास दे सक्सीडेड योर चालुक्यास। तो उसके बाद से जो आप देखते हैं जो टेम्पल बिल्डिंग बन रहा था, टेम्पल के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग दीज पेंटिंग्स, ठीक है, टेम्पल के अंदर जो है आपको अलग अलग पेंटिंग्स जो है यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। द मेजर जो आपको इम्पोर्टेंट है इज योर विजयनगर एंड योर नायका स्टाइल म्यूरल्स ओनली, ठीक है, तो विल सी दोज, ठीक है, ये दीज एग्जाम्पल्स आर देयर, दीज यू कैन सी, ठीक है, I'll discuss is your, ठीक है, the first is your विजयनगर म्यूरल पेंटिंग्स, ठीक है, विजयनगर म्यूरल पेंटिंग्स में जब आप जाएंगे तो जब आपका चोला अंपायर लेटर ऑन when it collapsed, it gave rise to your विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर हम देखते हैं फ्रॉम कर्नाटका टू योर क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, इट वॉज देयर, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो इन्होंने बनाए थे वर योर लिपाक्षी टेम्पल इज देयर एंड अनदर इज योर विरूपक्ष टेम्पल, कल हमने देखा था विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है। सो दीज टू टेम्पल्स जो थे दे आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर विजयनगर, ठीक है, एंड द पेंटिंग्स आर लाइक दिस, ठीक है, जो आप इसमें देखते हैं तो विजयनगर पेंटिंग्स आर दीज, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर नायका, नायका वॉज इम्पॉर्टेंट क्यों कल जब हमने डिस्कस किया था, डू यू रिमेम्बर नायका किस लिए हमने कल डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? नहीं नहीं, नायकाज स्टडी वी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ योर नटराजा, ठीक है, जो नटराज अगर आप देखते हैं लेटर ऑन जो नायका में आपका जो है इट केम इनटू प्रोमिनेंस, जो चोला डायनेस्टी में आप देखते हैं नटराज जो है इट स्टार्टेड लेटर ऑन इन नायका, इट केम इनटू प्रोमिनेंस। तो यहाँ पे जो आप पेंटिंग्स देखते हैं द यूनिक फीचर ऑफ नायका म्यूरल्स आर कि जो वेस्ट वगैरह है इट इज़ वेरी स्लिम, ठीक है, एंड योर एब्डोमेन इज वेरी वाइड, ठीक है। आप जब यहाँ पे जब देखते हैं कि यू विल हैव द मेल फिगर्स दे हैव योर वेरी स्लिम वेस्ट वेयर एज यू हैव वेरी हैवी एब्डोमेन, बाकी जो चीज़ें आप जो देखते हैं इट हैज़ ऑल्सो योर रिलीजियस सिग्निफिकेंस की द पेंटिंग्स दे डिपिक्ट योर महाभारत, ठीक है, एंड ऑल्सो योर रामायण एंड अदर रिलीजियंस, ठीक है, तो इट इज़ मोर रिलीजियस डिपिक्शंस इन केसेज ऑफ योर नायका आर्ट, ठीक है, नायका म्यूरल्स में आप जो देखेंगे विल बी मोर ऑफ योर रिलीजियस आर्ट्स, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर कि देखिए देर इज सो मच टू रिमेंबर, है ना, यू कैन नॉट रिकलेक्ट ऑल, तो कोशिश करिए यहाँ पे जितना आप देख सकें देख लें, और एल्स द सेम थिंग यू हैव टू गो एंड डू इट एट होम अगेन, जब भी आप रिवाइज करेंगे अगेन यू हैव टू डू दिस ओनली, ठीक है, बिकॉज यू अगेन हैव टू सी कि किस तरीके की इमेजेस आर देयर, ठीक है, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि यू रिक्रिएट एवरीथिंग, जितना भी उसमें नोट्स में है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे क्या कहते हैं उसको मैच करा सकते हैं विथ योर पेंटिंग्स, इट कैन बी हेल्पफुल, है ना, कि कहाँ पे है किस तरीके का दोस्त आर्ट्स आर देयर। ठीक है, द नेक्स्ट इज योर केरला म्यूरल्स, तो केरला में जब आप जाते हैं यू विल सी कि द लोकल इन्फ्लुएंस है आपका, जो केरला में द वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लासिकल डांसेस इज योर क्या है केरला में बिहू इज फ्रॉम असम, लिखा हुआ है आप में सी सेकंड नहीं इज योर कथकली, ठीक है, द ओनली स्टेट टू हैव योर टू क्लासिकल डांसेज इज केरला,
वन इज कथकली, सेकेंड इज योर मोहिनीअट्टम. मोहिनीअट्टम ठीक है, एक ही एक स्टेट है जिसमें दो क्लासिकल डांसेस हैं. भरतनाट्यम इज मोर रिलेटेड विथ योर तमिलनाडु ठीक है, वेरियस कुचिपुड़ी इज फ्रॉम योर आंध्र प्रदेश ठीक है. तो यू हैव ईच स्टेट्स जैसे, तो वहाँ पे आप जो देखेंगे कि द ओनली स्टेट टू हैव टू क्लासिकल डांसेस इज केरला. तो यू विल कथकली आप लोगों ने देखा होगा है ना, कथकली यू मस्ट हैव सीन, बहुत हर वीडियो में आता है. देर इज दिस पर्सन, वो बहुत बड़ा सा मास्क पहन के है ना, ही डांसेस अ वेरी कलरफुल मास्क इज देयर है ना. सो वो वाला जो आपको ट्रेडिशन दिखेगा, तो यू विल फाइंड दैट इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ केरला म्यूरल्स ऑल्सो ठीक है, बिकॉज द मास्क वॉज वेरी कलरफुल. तो यू विल फाइंड अ यूज ऑफ कलर्स विल बी वेरी मच ठीक है. इन दीज म्यूरल्स यू विल हैव इज वाइब्रेंट एंड ल्यूमिनस कलर्स ठीक है. तो ये आप